लेट्स चार्ट एक बार ही देखते हैं कि हमारे कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए थे, कौन से क्वेश्चंस हो गए थे। देखो बच्चे, अगर सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चंस एक बार ही कॉम्प्लेक्स नंबर का डी मॉर्गन थ्योरम का लेक्चर टू है, लेक्चर टू डी मॉर्गन थ्योरम, ये कहता है कृष्णा कृष्णा x प्लस वन बाय एक्स टू कॉस अल्फा दे रखा है, y प्लस वन बाय वाई टू कॉस बीटा दे रखा है, आपको निकालना है, प्रूफ करना है एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू टू कॉस थीटा प्लस फाइव। क्वेश्चन समझ आ गया कृष्णा? ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये प्रूफ करना, सही है? तो आप यहाँ पे पहली इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन इससे x की वैल्यू निकाल रहे हैं, एलसीएम लिया x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स कॉस थी कॉस अल्फा, डाउट है थीटा प्लस साई है वो, सॉरी थीटा अल्फा प्लस बीटा, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स कॉस अल्फा हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, हाँ बोलो क्या दिक्कत है कृष्णा? हाँ तुम्हारे से ही बोल रहा हूँ, बोलोगे अब, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वन, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए होती है, हाँ कि नहीं, बी कितना हो गया टू कॉस अल्फा प्लस माइनस फोर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस फोर अपॉन टू, कृष्णा डाउट है? नहीं सर। अब ये कितना आ गया कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन अपॉन, बस सही है, बात समझ आ गई? ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको क्या लिखता हूँ, कॉस अल्फा प्लस माइनस आयटा साइन अल्फा, हाँ कि नहीं कृष्णा? ऐसा लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा होता है, ये चीज क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। अब वाई की वैल्यू क्या आएगी, ऐसी सिमिलरली अगर निकालें तो कॉस बीटा प्लस माइनस आयटा साइन बीटा, कोई दिक्कत? हाँ सर, नहीं सर कोई दिक्कत, मैं खाली पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, दोनों में पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई ई की पार आयटा अल्फा, y की वैल्यू क्या हो गई e की पार आयटा बीटा, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अब x इंटू वाई कितना आया, प्रूफ क्या करना था, एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स वाई, बोलो एक्स वाई से आ जाएगा e की पावर आयटा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कृष्णा, बोलो का सर, एक मिनट सर, कृष्णा याद नहीं किया ना, टू कॉस अल्फा प्लस, सर दो दिन पहले से किया था सर, तो इसलिए भी याद नहीं आता, तो कोई कृष्णा पढ़ के रखना है ना, लास्ट क्लास वाला पढ़ के रखना होता है, ठीक है सर, दो दिन पहले मैंने होमवर्क किया था सर, चलो होमवर्क किया था मगर याद रखने के लिए एक बार जब क्लास से पहले रिवाइज कर लेगा, ये बात सबको समझ आ गई? आर्यन ये सर आई समझ आ गया? अच्छा चलो, निशी तुम्हारे को समझ आई है? और ये समझ नहीं आया, चलो एक और क्वेश्चन, निशी तुम बोलो, x प्लस वन बाय एक्स टू कॉस अल्फा, y प्लस वन बाय वाई टू कॉस बीटा, ठीक है, यस सर, आपको प्रूफ करना है x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा, बोलो कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। अब x की वैल्यू निकालो जल्दी से, क्या आएगी, x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स कॉस अल्फा, x स्क्वायर माइनस टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो, सही है? यस सर। ये बात समझ आ गई? अब x की वैल्यू क्या होती है,
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए अपॉन टू ए, तो एक्स माइनस बी कितना हुआ टू कॉस एक्स अल्फा, फोर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन हो गया। ये बात समझ आ गई? सो ये फोर वाला समझ नहीं आ रहा। बी कितना, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी होते हैं ना डी सर। अब समझ आ गया, आ गया एक्स की वैल्यू क्या हो गई, टू कॉस अल्फा प्लस माइनस टू आयटा साइन अल्फा डिवाइड बाय टू। बात समझ आ गई? यस सर। अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, कॉस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा, मैं पॉजिटिव साइन ही ले रहा हूँ। वाई की वैल्यू क्या आ गई इसी तरह, बोलो कॉस बीटा प्लस आयटा साइन बीटा। हाँ, अब एक्स अपॉन वाई, व्हाट इज एक्स अपॉन वाई, ई की पार आयटा अल्फा अपॉन ई की पार आयटा बीटा, यही आएगा ना? यस सर। और ई की पार आयटा बीटा अपॉन ई की पार आयटा अल्फा, कोई डाउट? सर आपने एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स क्यों किया, ये बोला था ना प्रूफ करना, ये वाला ऊपर देखो। ओके सर, ठीक है सर। सर आपने जब x को निकाला था 4 cos square का माइनस 4 होना था, आपने 1 कर दिया। अच्छा 4, सॉरी 4 सर, ये cos अल्फा प्लस माइनस रूट आयटा साइन बीटा आना था, बीटा अल्फा अल्फा किसमें बच्चे? सर ये x is equal to 2 cos अल्फा प्लस माइनस कर रहे हैं ना आपने? हाँ, तो 4 cos square का माइनस 4, हाँ 4 का अंडर रूट 2 होता है ना बच्चे? हाँ, तो फिर दोनों टू कट जाने थे। हाँ तो ये लिखा तो है ना, ये चीज देखो ना बच्चे, टू नीचे लिखा हुआ है, टू से टू कट जाएगा। वो आपने वहाँ पे फोर नहीं लिखा था तो मैं कंफ्यूजन अच्छा, सी हो गई। चलो ठीक है, ई की बार, अच्छा निशी बच्चे ये कितना आया, ई की बार आयटा अल्फा माइनस बीटा प्लस ई की बार माइनस आयटा अल्फा माइनस बीटा। बात समझ आ गई? यस सर। टू कॉस अल्फा माइनस बीटा, निशी बच्चे इसमें कोई डाउट हो आप बताओ? नो सर। पक्का? यस सर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं? यस सर। ये क्वेश्चन आपने बताना। स्वयं बताओ, ये दे रखा है कॉस अल्फा प्लस साइन कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल्स टू जीरो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है। आपको प्रूफ करना है, क्वेश्चन सुन लेना। कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा इज इक्वल टू थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। और ये भी प्रूफ करना। बच्चे कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? नो सर। आप जल्दी बताओ। देखो बच्चे, अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लान रहा हूँ जेड वन, जेड वन इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा, ठीक है? और जेड टू मान रहा हूँ, क्या मानूंगा, कॉस बीटा प्लस आयटा साइन बीटा। और जेड थ्री मान रहा हूँ, कॉस गामा प्लस आयटा साइन गामा, ठीक है? अच्छा मेरे को बताओगे जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री की वैल्यू क्या है? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आयटा कॉमन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अब मेरे को इसकी वैल्यू बताओगे कितनी आ रही है टोटल, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा की वैल्यू क्या है? सर जीरो। और इसकी वैल्यू भी, दूसरे की भी वैल्यू क्या है? जीरो। अच्छा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो इसका मतलब ये लिख सकते हो बच्चे, Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब इज इक्वल टू 3 Z1 Z2 Z3, ये प्रॉपर्टी होती है ना? यस सर। ये पता है सबको, गर्व पता है? यस सर। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं Z1 क्यूब क्या आएगा, जल्दी बोलो, e की पावर आयटा, Z1 क्या है, e की पावर आयटा अल्फा है ना,
आइटा थ्री अल्फा हो गया, ई की पावर आइटा थ्री बीटा हो गया, ई की पावर आइटा थ्री गामा हो गया, थ्री गामा इज इक्वल्स टू ई की पावर थ्री, थ्री ई की पावर आइटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये बात समझ आ गई कर सबको? यस सर। अब ई की पावर आइटा थ्री अल्फा होता क्या है सर? कॉस थ्री अल्फा आइटा साइन थ्री अल्फा। और इसका क्या होता है? कॉस थ्री बीटा प्लस आइटा साइन बीटा प्लस कॉस थ्री गामा प्लस आइटा साइन थ्री गामा। अब इक्वल टू किसके बराबर है? इक्वल टू थ्री इनटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आइटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब रियल पार्ट बता दो लेफ्ट हैंड साइड का क्या है? रियल पार्ट कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा इक्वल टू किसके बराबर आएगा? इक्वल टू थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये प्रूफ हो गया पूरा? यस सर। अब इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करोगे तो ये भी प्रूफ हो गया? यस सर। समझ आ गया? यस सर। चलो अब गर्व। यस सर। कॉस अल्फा क्वेश्चन दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू जीरो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है, ठीक है? यस सर। आपको प्रूफ करना है कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा इक्वल टू साइन टू अल्फा प्लस साइन टू बीटा प्लस साइन टू गामा इज इक्वल टू मोस्टली जीरो ही होना चाहिए, ये जीरो प्रूफ करना। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। क्या करना पड़ेगा? Z1 को क्या मान लूं? सर कॉस अल्फा प्लस आई बीटा साइन अल्फा। चलो Z2? सर कॉस बीटा प्लस आई बीटा साइन बीटा। और Z3? कॉस गामा प्लस आई बीटा साइन गामा। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना आ गया? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आई बीटा साइन बीटा। जीरो लिख दूं? जीरो लिख दूं? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब इसका होल स्क्वायर क्या होता है? Z1 plus Z2 plus Z3 का होल स्क्वायर क्या होता है? Z1 square plus Z2 square plus Z3 square into 2Z1 Z2 plus Z2 Z3 Z3 Z1। ये सही लिखा है मैंने? देखो कर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी बी सी सी है। मैंने उसमें से ए बी सी कॉमन ले लिया तो ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या है सर? जीरो। और अब इसकी वैल्यू चेक कर लूं क्या है? यस सर। वन अपॉन जेड वन क्या होगा सर? वन अपॉन कॉस अल्फा ये होगा। यस सर। और 1 अपॉन z2 क्या होगा सर? e पावर माइनस आयोटा बीटा। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब ये होता क्या है? कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। यस सर। और दूसरा क्या होगा? कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा। और तीसरा क्या होगा? कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा। ये तीनों इसका सम क्या है सर? जीरो। और इसका भी सम क्या है सर? जीरो। तो दोनों का सम क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी yes, इस सम की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। ये भी जीरो, सही है। इक्वल टू क्या yes, आ गया? ई की पावर आइटा टू अल्फा, ई की पावर आइटा टू बीटा प्लस ई की पावर आइटा टू गामा, कोई दिक्कत? सर ये क्या किया है? अच्छा सर, Z1 square ठीक है सर, Z1 square value लिखो। यस सर। ठीक है, तो e की पावर i2 क्या होता है? cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा प्लस i बटा sin 2 अल्फा प्लस, हां यही आएगा, cos 2 बीटा। मैं सीधा लिख रहा हूं, ये रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट ये आ गया पूरा। बात समझ आ गई बच्चे? ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है? किसी को भी डाउट हो
आर्यन आर्यन सर हाँ बोलो सर पर हमें प्रूफ तो कुछ और करना था ना कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू sin 2 अल्फा तो दोनों की वैल्यू जीरो अब इक्वल नहीं होंगे यस सर ठीक है ना यस सर अर्णव अर्णव यस सर अर्णव तुम बोलना बच्चे अब ये दे रखा है cos 2 cos अल्फा प्लस 2 cos बीटा प्लस 3 cos गामा इक्वल्स टू 0 साइन अल्फा प्लस 2 साइन बीटा प्लस 3 साइन गामा इज इक्वल्स टू 0 ये गिवन है ठीक है क्वेश्चन क्लियर है यस आपको प्रूफ करना है cos 3 अल्फा प्लस 8 cos 3 बीटा प्लस 27 cos 3 गामा इज इक्वल्स टू 18 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कोई डाउट है बच्चे नो सर अब Z1 को क्या मान लूं जल्दी बोल दे सर cos अल्फा प्लस आयटा sin अल्फा वेरी गुड Z2 सर 2 कॉमन में cos बीटा प्लस आयटा sin बीटा 2 आयटा sin बीटा ठीक है तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं e की पावर आयटा अल्फा 2e की पावर आयटा बीटा Z3 कितना आया सर 3 आयटा की पावर गामा ये बात समझ आ गई अब yes, Z1 plus Z2 plus Z3 की वैल्यू क्या है सर 0 तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी सर क्यूब कर देंगे पूरे को इज इक्वल्स टू 3 Z1 Z2 Z3 ये होती है ना प्रॉपर्टी यस सर ठीक है Z1 की वैल्यू क्या आ गई e की पावर आयटा 3 अल्फा e की पावर आयटा 3 अल्फा Z2 की प्लस e की पावर आयटा 3 बीटा 27 e की पावर आयटा 3 गामा 3 z1 z2 3 to the 6 6 3 to the 18 e की पावर आयटा अल्फा प्लस बीटा प्लस e की पावर आयटा यस सर अब रियल पार्ट कितना आया लेफ्ट हैंड साइड में सर cos अल्फा प्लस cos 3 अल्फा प्लस cos 8 cos 3 बीटा प्लस 27 cos 3 गामा इज इक्वल्स टू रियल पार्ट राइट साइड का क्या आया सर 18 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कोई दिक्कत है नो सर समझ आ गई बात यस सर किसी को भी डाउट हो बच्चे किसी को भी डाउट है इसमें बिंदिया डाउट है नो सर मल्लिका नो सर निशी प्रथम नो सर चलो चलो एक दूसरा टॉपिक है हाँ बोलो बच्चे आवाज नहीं आई प्रथम बोलो चलो तन्मय तन्मय चलो आप देखते हैं nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है अब मेरे साथ कौन बोलेगा प्रियांशी है प्रियांशी मल्लिका तुम बोलो मल्लिका यस सर बच्चे बच्चे देखो किसी की कॉम्प्लेक्स नंबर रूट थ्री प्लस आयटा की पावर 1/3 क्यूबिक रूट्स निकालने हैं क्वेश्चन समझ आ गया यस सर समझ आ गया मैंने रूट थ्री प्लस इसके कितने रूट्स निकलेंगे थ्री तीन रूट्स निकलेंगे अगर पावर 1/4 होती तो कितने रूट्स निकलते फोर निकलते ठीक है ये बात समझ आ गई है अच्छा yes, अब मैंने कैसे निकालना है वो चीज एक बार प्रॉपरली प्रोसीजर ध्यान रखना जो पहले क्वेश्चन के साथ प्रोसीजर कर रहा हूँ वही हर क्वेश्चन के साथ प्रोसीजर होगा इसलिए प्रोसीजर थोड़ा सा याद ही रखना इसका ठीक है अब okay. देखो बच्चे सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दो पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हो yes, चलो मॉड जेड कितना आया जल्दी बोलो
root 3 square plus 1 square that is 2. Doubt तो नहीं? No sir. अब इसका कौन से quadrant में root 3 comma 1? कौन से quadrant में? First quadrant. तो tan inverse imaginary part कितना है? 1 upon root 3. That is pi by 6. बात समझ आ गई? Yes sir. तो इसकी जो polar form या Euler form में change कर दो. Polar form की जगह Euler form. 2 e की पावर आयटा pi by 6. कोई नहीं, या हम क्या लिखते हैं, 2 cos pi by 6 plus 2 iota sin pi by 6, हाँ कि नहीं? Yes sir. ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कि पोलर फॉर्म में चेंज करो. पोलर फॉर्म क्लियर है? Yes sir. अब दूसरा स्टेप होता है add 2m pi 2 theta. थीटा क्या है यहाँ पे? pi by 6. अच्छा, 2 पाई अगर ऐड कर दूं थीटा में कोई फर्क पड़ता है? cos 2 पाई प्लस थीटा और cos थीटा क्या होते हैं? सेम होते हैं. cos 2 पाई प्लस थीटा चाहे cos थीटा एक ही बात होती है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ना दोनों. यस सर. तो 2 की पावर 1/3 बाहर ले गए. cos 2m पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस आयटा sin 2m पाई प्लस पाई बाय 6 की पावर 1/3. कोई डाउट है बच्चे? हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? इधर ही m कोई कांस्टेंट है क्या? m बता रहा हूँ अभी. m 2m पाई, m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ठीक है, क्योंकि एंगल जो है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, इसलिए मैंने 2m पाई ऐड किया. कोई डाउट? चलो अब इसको 2 की पावर 1/3 लिखा. आप e की पावर आयटा 2m पाई प्लस पाई बाय 6 इनटू 1/3 आ गया. ये बात समझ आ गई मल्लिका? यस सर. अब m की वैल्यू क्या होती है, वो जो पूछा था डाउट, कितने रूट निकलने हैं? कितने रूट निकलने हैं जल्दी बताओ? 3 रूट निकलने हैं. तो m की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी. बात समझ आ गई? यानी एक रूट इसका ये होगा e की पावर आयटा, m के लिए 0 रखिए तो पाई बाय 18. दूसरा होगा 2 की पावर 1/3 e की पावर आयटा 2 पाई प्लस पाई बाय 6 इनटू 1/3. ये दूसरा रूट. तीसरा रूट होगा 2 की पावर 1/3 e की पावर आयटा 4 पाई प्लस पाई बाय 6 इनटू 1/3. कोई डाउट है बच्चे मल्लिका? नो सर. समझ आ गया प्रोसीजर? यस सर. लास्ट स्टेप नहीं आया. बच्चे m की वैल्यू आपकी क्या क्या पुट होंगी इसके ऊपर डिपेंड करता है. m की वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2 होगी. अगर चार रूट निकलते तो आपकी m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती. अगर n रूट होते m की वैल्यू 0, 2, n माइनस 1 होती. वो जस्ट पुट किया, दूसरे क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएगा. विधि? यस सर. हाँ अब तुम बोलना. ओके सर. चलो अब हमें निकालना है 1 माइनस आयटा की पावर 1/4. कितने रूट निकलेंगे? 4. तो सबसे पहले इसकी पोलर फॉर्म मॉड जेड कितना आया जल्दी बोलो? रूट टू. 1 माइनस आयटा इस क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट जेड किसके बराबर होगा? माइनस थीटा. तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट माइनस 1/1 पाई बाय 4 आ जाएगा. कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आर्ग्यूमेंट जेड जो होगा वो माइनस पाई बाय 4 होगा. थीटा ये होगा ये. अब इसकी ये क्या आ गई? रूट टू कॉस माइनस पाई बाय 4 प्लस आयटा रूट टू साइन माइनस पाई बाय 4. दिक्कत है कोई? पोलर फॉर्म समझ आ गई? रूट टू, 2 की पावर 1/8 बाहर गया. कॉस माइनस पाई बाय 4 प्लस आयटा साइन माइनस पाई बाय 4. अब क्या ऐड करना है थीटा में? 2m पाई. तो 2 की पावर 1/8 cos 2m पाई माइनस पाई बाय 4 आयटा साइन 2m पाई माइनस पाई बाय 4. ये बात समझ आ गई? यस सर. 2 की पावर 1/8 e की पावर आयटा 2m पाई माइनस पाई बाय 4 इनटू 1/4. अब m की वैल्यू क्या क्या डालेंगे? 0, 1, 2, 3. 0 डालो. आयटा 5/16 आ गया. ओ यस सर. 2 की पावर 1/e की पावर आयटा
टू पाई प्लस पाई बाय फोर कितना होता है 17 पाई बाय 16 आएगा ये चेक कर लो. तीसरा आएगा 2 की पावर 1 बाय 8 2 एम पाई 2 टू द 4 4 पाई यानी 70 नहीं मेरे को लग रहा है मैंने यहाँ पे कोई गलती की जो एम की वैल्यू 1 माइनस को प्लस कर दिया है तो 9 पाई बाय 16 अच्छा माइनस कर दिया ना माइनस पाई बाय 16 हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है गलती गलती तो ये कितना आएगा दूसरा कितना आएगा 2 की पावर 1 बाय 8 e की पावर आइटा 2 पाई माइनस पाई बाय 4 इंटू 1 बाय 4 तो e 2 की पावर 1 बाय 8 इंटू e की पावर 7 पाई बाय 16 कोई डाउट ऐसी 2 डाल देना और 3 डाल देना कोई डाउट तो नहीं है सर इसके तीन आंसर आएंगे हाँ तीन आंसर चार आंसर आएंगे हाँ चार आंसर जो भी है ठीक है कोई डाउट तो नहीं है ओके सर कोई डाउट तो नहीं है नो सर सर अच्छा, मेरे को ये वैल्यू पुटिंग में दिक्कत आ रही है समझ नहीं आ रही है आ रही है अच्छा एक क्वेश्चन तुम्हारे साथ अर्णव यस अर्णव तुम बोलो 1 प्लस 1 माइनस रूट 3 प्लस आयटा की पावर 1 बाय 3 ठीक है जल्दी बताओ पोलर फॉर्म मॉडुलेट कितना आया सर 2 और ये सर, कौन से क्वाड्रेंट में सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओ सॉरी सेकंड में यस सर सेकंड में तो tan थीटा कितना आ गया tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट पाई बाय 6 आर्गुमेंट z कितना आ गया पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज 5 पाई बाय 6 दिक्कत तो नहीं नो सर अब बोलो दिक्कत है यहां तक तो स्टेप में दिक्कत नहीं है नहीं सर यहां तक नहीं है 2 cos 2m pi plus 5 pi by 6 2 की पावर 1 by 3 बाहर है plus iota sin 2m pi plus 5 pi by 6 सही है ये yes, सर ये वही है ना जिसमें 2m pi ऐड करना होता है हाँ 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 e की पावर iota 2m pi plus 5 pi by 6 into 1 by 3 दिक्कत है यहाँ तक अब नहीं सर अब नहीं है यहाँ तक m की वैल्यू क्या क्या पुट करनी है सर 0 1 2 डालो वैल्यू 0 डालो सर e की पावर आयटा प्लस 2 की पावर 1 बाय 3 e की पावर आयटा प्लस 5 पाई बाय 6 18 हो गया यस सर m की वैल्यू 1 डालो सर 2 की पावर 1 बाय 3 e की पावर आयटा 2 मैं सॉल्व करके बोल रहा हूं 11 पाई बाय 18 17 नहीं आएगा हां सर सॉरी 17 यस सर ठीक है थर्ड क्या आएगा सर सर e की वैल्यू जब 2 डालेंगे सर 2 की पावर 1 बाय 3 e की पावर आयटा सर उसके बाद 12 3 2 6 सर सर 29 पाई बाय 18 चलो समझ आ गया यस सर निशी यस सर निशी नहीं गर्व गर्व यस सर हाँ नंदनी बोलो नंदनी नंदनी आवाज कट रही है आपकी चलो अभी नंदनी बाद में बोल देना क्लास के बाद फोन कर देना चाहे ठीक है समझ नहीं आया मुझे कि जो भी बोल रहे हो ये कहता है किसको बोलते हैं गर्व यस सर nth रूट्स ऑफ यूनिटी टॉपिक है nth रूट्स ऑफ यूनिटी nth roots of unity यानी 1 की पावर क्या निकालना है सर 1 by n ठीक है आप जल्दी से बोलते जाएंगे आप इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो जल्दी मॉडुलेट कितना आया 1 1, 0 कहां पर है यहां पे है तो आर्गुमेंट z कितना आ गया 0 सर 0 यस सर कोई दिक्कत तो नहीं है नो सर 1 cos 0 plus 1 iota sin 0 की पावर 1 by n दिक्कत नो सर अब क्या ऐड कर दूं सर 2 पाई 2 m पाई 2 m पाई हो जाएगा ना बस यस सर यहां तक दिक्कत तो नहीं है नो सर e की पावर iota 2 m पाई by n ये बात समझ आ गई ये हो गई यस सर ये क्या है nth roots of unity का जनरल फॉर्मूला m की वैल्यू क्या क्या पुट करनी है
सर 1 से लेके n माइनस 1 तक 0 1 2 टिल अप टू n माइनस 1 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा सर 0 पुट करेंगे तो e की पावर आयोटा 0 0 1 होता है e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n आ जाएगा yes, e की पावर आयोटा 4 पाई बाय n आएगा 4 पाई बाय n e की पावर आयोटा 6 पाई बाय n आएगा पाई बाय n 8 पाई की पावर आयोटा 2 n माइनस 1 पाई बाय n आएगा कोई डाउट तो नहीं नो सर अच्छा प्रॉपर्टीज देखते हैं यहां तक बात सबको क्लियर है बच्चे सबको बात क्लियर है यस सर सर बस एक अच्छा, डाउट है कि n माइनस 1 तक क्यों n तक क्यों नहीं बच्चे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना अच्छा अच्छा ठीक है सर ठीक है चलो अब एक बारी मैं दूसरे nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं 1 e की पावर आयटा 2 पाई बाय n e की पावर आयटा 4 पाई बाय n e की पावर आयटा 6 पाई बाय n यही चलते हैं ना e की पावर आयटा 2 n माइनस 1 पाई बाय n इसमें किसी को डाउट है आर्यन ये कहता गर्व डाउट तो नहीं है नो सर आर्यन कोई डाउट है आर्यन चलो मल्लिका बच्चे कोई डाउट तो नहीं है नो सर चलो आप जल्दी से मैं एक एक क्वेश्चन मल्लिका तुम बोलो अब यस सर मल्लिका ये बताओ ये रूट्स किस में है एपी में है जीपी में है किस में है जीपी जीपी कॉमन रेशियो क्या है टू ई की पावर आयटा 2 पाई बाय एन बच्चे बात समझ आ गई यस सर क्लियर है ना ये यस सर अच्छा nth पहली प्रॉपर्टी होती है nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ nth रूट ऑफ ये कहते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी आर एन जी पी विथ कॉमन रेशियो इज इक्वल टू ई की पावर आयटा 2 पाई बाय n ठीक है बच्चे मैं एक चार्ट बना रहा हूँ चार्ट नोट कर लेना वो ज्यादा अच्छा रहेगा देखो बच्चे बोलो बच्चे स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी उसके बाद हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में लिख लेंगे अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी होती है x इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय 2 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 x इक्वल टू प्लस माइनस 1 ये होती है स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती है 1 की पावर 1 बाय 3 एक्स इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होती है एक्स इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयटा ये चार ऐसी nth रूट्स ऑफ यूनिटी होती है क्या 1 e की पावर आयटा 2 पाई बाय n e की पावर आयटा 4 पाई बाय n टिल अप टू सो ऑन अच्छा सबसे पहली बात अगर मैं चेक करूं सम क्या आता है सम इसका कितना आ रहा है 1 माइनस 1 कितना आ गया 0 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस आयटा माइनस आयटा कितना आया 0 ठीक है ऐसे इसका भी सम क्या आएगा 0 0 ठीक है आप प्रोडक्ट देखते हैं अगर हम देखते हैं फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी होता तो प्रोडक्ट 1 ही आता सेकंड रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट कितना आता है स्क्वायर रूट का मतलब माइनस 1 और उसके बाद क्या आ रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होता है प्लस 1 इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1 आयटा स्क्वायर 1 ये आ गया माइनस 1 इंटू माइनस आयटा स्क्वायर कितना आया हमारा ये आ गया माइनस 1 तो आपकी टर्म जो चल रही है प्लस 1 माइनस 1 ये किसमें है किसमें दे रखी है जीपी में है कि नहीं तो उसकी nth टर्म क्या आ गई माइनस 1 की पावर n माइनस 1 तो माइनस प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है माइनस 1 की पावर n माइनस 1 कोई डाउट है किसी को भी कोई डाउट no, है सर नो सर सर फिर से ज्वाइन करने
नए बच्चे ज्वाइन नहीं करना, जितना हो गया उतना ही करना है आज, ठीक है? अभी है 2-3 मिनट, देखते हैं। ये समझ आ गई प्रोडक्ट ऑफ और सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी सबको, ठीक है? एक और देखते हैं। अब मैं बोलता हूँ एक प्रॉपर्टी बोलते हैं, सम ऑफ कर दो, ओके सर, थैंक यू। अब हमने ये बोला कि सम ऑफ nth mth पावर्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन m इज नॉट अ m इज अ मल्टीपल ऑफ n। क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के हिसाब से एग्जांपल देखते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बच्चे एक काम करते हैं, ये जो टॉपिक है जितना हो गया उतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर बीच में छूट जाएगा, ठीक है? ओके सर। ज्यादा ये सबको समझ आ गया? ओके सर। अखिलेश yes, समझ आ गया? तन्मय यस सर आ गया, यस सर आ गया समझ। हार्दिक यस सर, ठीक है बच्चे ट्राई करना कि कर लेना, और जो बच्चे जिनको 10th वाले बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का काम दिया, 11th वाले बच्चों को कुछ ट्रिग्नोमेट्री का काम दिया, वो ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी काम करेंगे अपना, ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू बच्चे, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।